जसवंत नगर विधानसभा सीट पर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से पूछेंगे वो हर सवाल जो उसके जहन में पिछली बार वोट देने से पहले था कि उम्मीदें आखिर कितनी पूरी हुई हैं। 2022 में जनता जब ईवीएम का बटन दबाएगी तो किन मुद्दों पर विचार करेगी, सीधा आपको जनता के बीच लिए चलते हैं और जानते हैं जनता का मूड क्या कह रहा है। योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, गुंडागर्दी तो नाम मात्र के लिए भी नहीं है और यहाँ पर पुलिस व्यवस्था भी अच्छी है। दोबारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए उनको कि सरकार बदलनी चाहिए? दोबारा बनना चाहिए उनको। सपा की तरफ है स्पष्ट, सरकार सपा की बनना चाहिए। उसने कुछ काम भी किया था अपने शासन में, माननीय अखिलेश यादव जैसा काम नहीं किया पूरे उत्तर प्रदेश में किसी ने। बीजेपी की तरफ है। क्या पसंद है बीजेपी और उसके कामकाज? मतलब ये काम जो कर रहे हैं बीजेपी वाले, तो ये कुछ धरातल पे दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई भेदभाव नहीं समझ में आता है, कहें भले ही लोग वा, लेकिन भेदभाव कुछ महसूस नहीं होता है। जो काम हो रहे हैं वो सबके हित में है। मोदी के कामकाज में जो है कि हम शासन है समाज में, गुंडागर्दी कम है और सामाजिक उत्थान जो भी किया उन्होंने कर रहे हैं विकास की तरफ, गरीबों के लिए जो सोचा है, गैस सिलेंडर वगैरह जो लिए, सब्सिडी दी है। इधर पे तो सिर्फ शिवपाल चच्चा हैं और कोई नहीं है, और इसके अलावा इधर पर कोई चेहरा ही नहीं है उनके अलावा। तो शिवपाल जी ने क्या कामकाज कराए हैं यहाँ पर? यहाँ पे जो कुछ विकास है उन्हीं का किया हुआ है और किसी का नहीं। बस पार्टी की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं भाजपा। क्या कारण है इसका? क्योंकि शासन बढ़िया है योगी जी का, और योगी जी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, क्राइम मुक्त प्रदेश हो गया है, इस वजह से बाबा जी की तरफ मेरा मूड है। यहाँ जो विकास होता है माननीय शिवपाल सिंह जी की देन है कि जो इतना पूरा यहाँ सड़कें पुल, चाहे गांव में स्कूल हो, चाहे सैपई में एम्स हो, कोई भी सुविधा हो माननीय शिवपाल सिंह जी और अखिलेश जी के द्वारा दी हुई। तो 2022 में अब सरकार बदलनी चाहिए या यही आनी चाहिए? नहीं, सरकार तो बदल रही है, सरकार तो बदल रही है। महंगाई की इतनी मार है कि लोग आम आदमी जो आम आदमी त्राय त्राय किए हुए लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। जसवंत नगर सीट इटावा की सबसे चर्चित सीट है, यहाँ पर शिवपाल यादव का सिक्का चलता आ रहा है। 1996 में वो पहली बार यहाँ से चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे और तब से ही जीत का सिलसिला लगातार बरकरार रहा है। वो 5 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें तस्वीर जरा अलग है। अब शिवपाल यादव अलग पार्टी बना चुके हैं, तो देखना ये होगा कि नई पहचान के साथ ही क्या वो जीत का किला बरकरार रख पाते हैं। श्री शिवपाल सिंह की चुनाव चिन्ह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ। योगी सरकार का कामकाज आपको कैसा लगा? हमें तो कुछ खास अच्छा भी नहीं लगा, और हमारे यहाँ तो श्री शिवपाल सिंह जी यादव ही जनता से मिलते हैं, हर सुख दुख में साथ में रहते हैं। अभी बीमारी थी, अपने पास से ही खुद पैसा दिया, तो यहाँ तो उनके सिवा कोई, मेरे तो को तो लगता नहीं कोई उनसे अच्छा कोई नेता हो। हमारा तो ये सरकार से महंगाई की वजह से हम तो सपा की तरफ ज़्यादा मुड़ना चाहते हैं। क्या बढ़िया होगा, सपा आएगी तो पहले क्या अच्छा? पहले से सपा से ज़्यादा फायदा थी यहाँ पे, इस सरकार से दिक्कत है, हर चीज़ की महंगाई है। अब तेल 200 रुपए किलो है, आदमी खा नहीं पा रहा, खली देखो 170 रुपए दरी है, आदमी खिला नहीं पा रहा जानवर। हमारा तो शिवपाल सिंह की तरफ है, माननीय शिवपाल सिंह हमारे शहर में काफ़ी काम कराते हैं और काम कराया है, छोटा बड़ा काम वही कराते हैं और कराते रहेंगे। ये सरकार में गुंडागर्दी तो खैर कम है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं बहुत ख़राब है। लाइट 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 की बहुत व्यवस्था ख़राब है, और लाइट बिल वगैरह इतने ज़्यादा आते हैं, यहाँ के कर्मचारी बहुत भ्रष्ट है सब। सरकार में गुंडागर्दी शांत है साहब, है ना, सबसे बड़ी ये महंगाई बहुत है, महंगाई बिगड़ करिए काम तो साहब यहाँ कुछ नहीं हुआ, सही बात है। अब जहाँ हुए वहाँ हुए, हमें क्या लेना ना उससे, लेकिन मुद्दा अपने को चाहिए शांति। बाजार में शांति है, कहीं कोई घटना है अपने इलाके में नहीं हो रही है। अब तेजी मुद्दा तो साहब बना ही रहता है। चावी की तरफ है, शिवपाल से चावी की तरफ
क्या बढ़िया किया है उन्होंने जसवंत नगर के लिए, इतना विश्वास है लोगों का? जसवंत नगर में उन्होंने सब बढ़िया किया है, ज़्यादातर काम जसवंत नगर में सिपाल चर्चा ही ने करा है, सब बढ़िया ही करा उन्होंने। हमारा सियासी तो सपा का गढ़ है, सपा की तरफ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छी लाइट व्यवस्था मिलती है सपा के राज्य में, और बढ़िया रोडें वोडे, ये रोड जो बनवाई गई है इनके भाजपा के राज में किसी भी मशीनरी से द्वारा बनने बनवाई गई है, ऐसी सादा इस पर डामर डाल के सादा रोड बना दी गई है।